कैलिफोर्निया शूटआउट में पाकिस्तानी मूल के थे। हमलावर पाकिस्तानी मूल के एक युवा दंपति ने क्रिसमस पार्टी के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी की। आईएस को नेस्तनाबूद करने के लिए एकजुट हो रही दुनिया। आतंकी संगठन के खिलाफ जर्मनी ने दी सैन्य कार्रवाई को मंजूरी। स्वदेशियों की मांग के आगे नरम पड़ा नेपाल। नेपाल की तीन प्रमुख पार्टियों ने नए संविधान में अगले तीन महीनों के भीतर संशोधन करने का निर्णय किया है ताकि भारतीय मूल के स्वदेशियों की मांगों का समाधान किया जा सके। ब्रिटेन की महारानी के शाही ताज में जड़े प्रसिद्ध ऐतिहासिक हीरे कोहिनूर पर अब तक भारत सरकार ही दावा पेश करता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान भी दावा कर रहा है। जबलपुर हवाई अड्डे पर आज मुंबई से उतरे एक स्पाइस जेट प्लेन में बैठे यात्रियों की उस समय बाल बाल जान बच गई जब रनवे पर विमान फिसल गया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परमार्थ कार्य करने वाले बिल गेट्स ने शुक्रवार को भारत सरकार के वित्तीय समावेशन प्रयासों को मजबूत करने के लिए सहयोग की पेशकश की और स्वच्छ ऊर्जा से हाइड्रोकार्बन के स्तर तक कम करने की जरूरत पर जोर दिया। गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी की। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आपातकाल एक बड़ी भूल थी, जबकि 1984 के सिख दंगे विरोधी दंगों के दौरान जो कुछ हुआ वो गलत था। सिख दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिलने से थोड़ा सुकून पाए टाइटलर को कड़कड़डूमा अदालत ने बड़ा झटका दिया। दिल्ली के विधायकों की वेतन वृद्धि को लेकर हो रही आलोचना के स्वर नरम करने के प्रयास के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। चेन्नई में फिर हुई बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। शहर एक बार फिर जोरदार बारिश से सराबोर हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी के रहस्य से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और इन फाइलों का पहला सेट आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को सौंप दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस से फिर गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव को देश का पीएम बनाया जाए और राहुल गांधी को डिप्टी पीएम तो वो हाथों हाथ गठबंधन के तैयार हैं। आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने कहा कि राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जब फैसला आ जाएगा तो अयोध्या में मंदिर बन जाएगा। राज्यसभा में उठा वीके सिंह का मामला, मायावती ने बयान की मांग की, सदन में जबरदस्त हुआ हंगामा। मोहन भागवत के राम मंदिर के बयान पर सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि ये बीजेपी आरएसएस की मिलीभगत है, सरकार को तुरंत मोहन भागवत पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बयान के बाद देश में सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति पैदा हो गई है। ये बहुत ही खतरनाक है। आरएसएस चीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के अपराध। मोहन भागवत के बयान पर मायावती ने कहा कि राम मंदिर को लेकर वो जो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुखिया ने राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कुछ कहा है तो इससे पूरे देश के अंदर सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ेगा। अपुर के गांव खुराना में चुनावी रंजिश के चलते प्रधान पद की प्रत्याशी महिला के देवर और उसके साथी पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने एक शख्स को गोली भी मार दी। फतेहपुर में मलवा थाने के रारा मंगतपुर गांव के मंगतपुर मजरे में पंचायत चुनाव में शराब और पैसे बांटने का विरोध करने पर 23 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लखनऊ में एक नामी निगरामी होटल में बच्चा चोर गिरोह के सदस्यों ने कीमती सामान और रुपयों से भरा बैग उड़ा लिया।
भारत में पहली बार बायोगैस को फायर सिस्टम से शवदाह संयंत्र की स्थापना बड़हलगंज के मुक्ति पथ पर हुई है। इस संयंत्र में हिंदू रीति रिवाज और भावनाओं का पूरा समावेश किया गया है। श्रद्धा कपूर अपनी दो फिल्मों के साथ साथ एक एड भी शूट कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने लगातार 72 घंटे काम किया। हाल ही में रणवीर सिंह ने आयुष्मान खुराना के साथ मिलकर डमेश वीडियो बनाया है। रणवीर सिंह का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। एक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर चाहते हैं कि साल 2011 की उनकी हिट फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल बनाया जाए। सलमान खान का जन्मदिन 27 दिसंबर को है। जैसिन खान नाम का जर्नलिस्ट उनके इस जन्मदिन को खास बनाने वाला है। संजय दत्त की जेल की सजा जल्दी खत्म होने वाली है, इसके बाद इनके पास फिल्मों के ऑफर की भरमार है।